है, वो एक वित्तीय सहयोग है, सब्सिडी नहीं है। क्या इन्फ्लेशन का पार्ट हो गया? मतलब आप ये कह रहे हो कि सब्सिडी देने से इन्फ्लेशन बढ़ता है? हाँ बढ़ता है। अरे सब्सिडी का सही तरीके से ना पहुंच पाना पॉवर्टी का कारण है। सब्सिडी तो पॉवर्टी एलिवेशन का एक तरीका होता है। ऐसी भाई यदि सरकार निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है तो वो सब्सिडी तो दे रही है ना? या निशुल्क शिक्षा यदि वो दे रही है तो वो सब्सिडी ही तो दे रही है। ये पॉलिसी मैटर है कि जो सब्सिडी दी जा रही है वो सबके लिए दी जा रही है कि केवल बीपीएल के लिए दी जा रही है। देखिए सब्सिडी की डेफिनेशन आप देखोगे ना तो सब्सिडी सरकार इसलिए देती है ताकि जनता उन चीजों तक पहुंच सके जहां पर वो सामान्यता नहीं, जिन तक उनकी पहुंच सामान्यता नहीं होती है ना। अब उसमें ये नहीं लिखा गया है कि केवल ऐसी जनसंख्या जो गरीबी रेखा के नीचे हो। सब्सिडी किसी के लिए भी हो सकती है। अब ये सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करता है कि वो सब्सिडी किसको देना चाहती है। जैसे हमारे यहाँ पे रेलवे टिकट में सब्सिडी पहले सबके लिए हो, मतलब या उसमें एज का निर्धारण होता था है ना। अब अधिकांश ट्रेनों में वो वाली सब्सिडी हटा दी गई है। तो ये पॉलिसी मैटर है जो समय समय पर बदल सकता है। ये अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के आधार पर नहीं होता कि सब्सिडी किसको दी जानी है। कोई कुछ बोल रहा था क्या? सब्सिडी की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है सरकार के द्वारा दी जाने वाली वो मदद ताकि उपभोक्ता उस वस्तु तक या उस कॉमोडिटी तक पहुंच सके जहां तक उसकी पहुंच व्यावहारिक रूप से मुश्किल है या सामान्य तौर पे जिसकी पहुंच जहां तक मुश्किल। तो जब या ऐसी कोई चीज की जिसकी खपत को सरकार को बढ़ावा देना होता है तो उसमें दिए जाने वाले सहयोग को सब्सिडी कहा जाता है। जैसे एलपी। ये आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की डेफिनेशन दे रहे हो। आप वो डीबीटी की डेफिनेशन दे रहे हो, वो सब्सिडी की डेफिनेशन पूछ रही है। ठीक। एक गरीबी का कारण और होता है, वो है पूंजी निर्माण का अभाव, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं ना, स्थायी संपत्ति जिसको कहते हैं, स्थायी संपत्ति में होने वाले निवेश या फिर एक आम व्यक्ति की बचत में कमी हो रहना। जब बचत में कमी होगी, जनता के बचत में कमी होगी तो निवेश में कमी होगी, और निवेश में कमी होगी तो उसका असर पड़ेगा सीधा सीधा रोजगार के अवसरों पर। ठीक। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है सेविंग। ठीक। हाउस होल्ड सेविंग को कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। घरेलू बचत में कमी होने से कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण में कमी होती है, जिससे रोजगार के साधन कम होते हैं और जिससे गरीबी आती है। ठीक। अब एक चीज है कि ये हो गए ये पॉवर्टी के कारण। अब आता है पॉवर्टी के कारण क्या, मतलब उसके ड्रॉबैक्स कहें अपन, पॉवर्टी के ड्रॉबैक्स। पॉवर्टी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है संसाधनों पर दबाव बढ़ना। ठीक है। संसाधन सीमित हैं, गरीबी ज्यादा होगी तो उन पर दबाव बढ़ेगा। संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा तो उसका वो दबाव शिफ्ट कहाँ पर होगा? सब्सिडीज पर। सब्सिडीज पर दबाव बढ़ेगा उससे। हाई डिपेंडेंसी ऑन रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज पर प्रेशर ज्यादा होना, हाई प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्स। और सब्सिडी पर दबाव बढ़ने का वो दबाव कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? सरकार के खजाने पर। ठीक है। सब्सिडी सरकार का एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिससे उसको डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होता।
एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सैलरी, ठीक है, सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, उसके बदले में क्या होता है, वो लोग सरकार का काम करते हैं। नहीं, पेंशन सब्सिडी नहीं, सब्सिडी केवल कमोडिटी पर दी जाती है। अरे भाई, आप ये कुर्सी खरीद रहे हो, ठीक है, ये कुर्सी 1000 रुपये की है, सरकार बोलेगी कि नहीं आप जो है 600 रुपये, तो 400 अपने पास से देंगे, वो सब्सिडी होती है। या फिर आप पूरे 1000 रुपये दे दो, 400 रुपये हम आपको दे देंगे, वो सब्सिडी है, क्योंकि वो आप एक प्रोडक्ट खरीद है, कमोडिटी के लिए दी जा रही है। लोन थोड़ी ले रहे हैं, ये कोई निर्धारित नहीं होता है, सरकार अपनी सब्सिडी समय समय पर बदलती रहती है। इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में पता है, ब्याज सब्सिडी क्या होती है? इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब ये होता है, सरकार बोलती है कि आप अपना व्यापार चालू करने के लिए लोन लो, उसमें ब्याज का एक हिस्सा जो निर्धारित किया जाता है वो हम देंगे, आपके ऊपर ब्याज का भार कम आएगा, ठीक है। तो एक सर्विस ली ना, एक व्यक्ति ने लोन लिया, वो एक सर्विस है, सर्विस उसने एक्वायर करी, उस सर्विस पर उसको सब्सिडी मिली। आप जो कह रहे हो पेंशन, ना पेंशन किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बदले में नहीं दी जाती, पेंशन आपके अभी तक के किए हुए काम के बदले में सरकार आपको एक भेंट देती है। कह सकते हो पेंशन दे करके वेलफेयर कर रही है, लेकिन पेंशन तो प्राइवेट कंपनी भी देती है, बिल्कुल देती है। पेंशन इज नॉट इक्वल टू सब्सिडी, ठीक, प्रोडक्ट पे या सर्विस पे मिलती है, ठीक। क्या देख रहे थे? ड्रॉबैक्स देख रहे थे, तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहला आता है उसका यही हाई प्रेशर और रिसोर्सेस, तो यानी कि हाई प्रेशर ऑन गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट, बजट पर जो है प्रेशर बढ़ना, ठीक। एक और ड्रॉबैक है इसका, पूंजी निर्माण में कमी, जो अपन ने उसके कारण गरीबी के कारणों में देखा, वही गरीबी का एक ड्रॉबैक भी, वही सर्कल, ठीक। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जो अपन ने गरीबी के कारण में देखा था ना, वही गरीबी का एक ड्रॉबैक भी है। क्या जी? हाँ, डेट क्या? हाँ, कह सकते हैं डेट, उसको डेट ट्रैप कहते हैं, डेट ट्रैप यानी कि ऋण जाल। वो सब्सिडी है, गवर्नमेंट यदि आपके किसान के किसी के भी कर्जों को माफ कर रही है तो वो सब्सिडी दे रही है उसे। क्यों सब्सिडी क्यों दे रही है? क्योंकि यदि आपके पुराने कर्ज माफ नहीं होंगे तो आप आगे कर्ज नहीं ले सकते। तो क्या हुआ? तो पहले तो एलपीजी में भी ऐसे ही होता था ना, आप सस्ता लेते थे, जो डिफरेंस होता था वो कंपनी, जो सरकार है वो डायरेक्ट उस संबंधित एलपीजी कंपनी को पे करती थी। एनपीए क्यों बढ़ेगा? कम एनपीए बैंक का होता है, कंपनी का नहीं, इससे बैंक का एनपीए क्यों बढ़ेगा? एनपीए नहीं बढ़ेगा, वो पूरा एनपीए क्यों बढ़ेगा? बैंक को तो उसका पैसा मिल गया ना। कर्ज माफी का मतलब ये नहीं होता कि सरकार बैंक से बोलती कि अब भूल जाओ, कर्ज माफी का मतलब होता है कि सरकार उस कर्ज का पैसा भर देती है, बैंक को नुकसान नहीं होता उससे। हाँ, वो सरकार का घाटा होता है, वो बैंक का घाटा नहीं होता, ठीक। उसका एक ड्रॉबैक है जीवन निर्वाह के स्तर में कमी होना, जीवन निर्वाह के स्तर में कमी होना, लाइफस्टाइल, बिलो लाइफ स्टाइल, फिर शिक्षा में कमी, आर्थिक विकास में कमी, असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा, गरीबी की वजह से असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है,
पलायन होता है, यानी कि माइग्रेशन होता है उसकी वजह से। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे तो वहां के लोग पलायन करके शहर में आएंगे। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, और इससे जो है पलायन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो कि गरीबी के साथ जोड़ा जा सकता है वो है, मतलब पलायन जो होता है केवल व्यक्ति का नहीं होता, पलायन जो होता है वो विचारधारा का भी होता है, या आप कहो कि आदतों का भी होता है। हाँ, कल्चर। तो मतलब कल्चर मतलब यहाँ पे अपन उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, अपन नेगेटिव एस्पेक्ट में देख रहे हैं। शहरों में जो स्लम होते हैं, या जिसको झुग्गी बस्ती है या मलिन बस्ती कहा जाता है, वो स्लम क्यों बनते हैं? शहर में रहने वाले लोग स्लम नहीं बनाते। जो बाहर, हाँ, गांव से या छोटी जगहों से आने वाले लोग जब शहर में आके बसते हैं, और जब उन्हें ये समझ में आता है कि शहर में रहना आसान नहीं है या रहने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, तो वो बस्ती बनाते हैं, तो वो झुग्गी झोपड़ियाँ बनाते हैं, और जो बस्ती मलिन बस्ती बन जाती है। और मलिन बस्ती की अपनी एक समस्याएं होती हैं, है ना? सैनिटेशन ना होना, शिक्षा का अभाव होना, असामाजिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होना, ये सब मलिन बस्ती की समस्याएं हैं जो कि आप एक साथ पॉवर्टी में लिख सकते। धारा भी बहुत डेंस है, धारा भी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम। कभी धारावी जाके देखा है कैसी स्थिति है? लेकिन ये है कि धारावी में आपको लगभग हर झोपड़ी के ऊपर एक डिश टीवी जरूर मिल जाएगी। है वहां पर, मतलब वो रहते झुग्गियों में है लेकिन उनके पास पैसों की आज के समय इतनी कमी नहीं है। बम्बई में, हाँ, बम्बई की प्रॉब्लम है जगह। बम्बई में सब सस्ता है सिवाय रहने के। हाँ, बम्बई में यदि आपके पास रहने की व्यवस्था है ना, तो वहां पे बाकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो किसी और शहर से कम है। बम्बई में लोगों का मेजर खर्चा है रहना। अरे मतलब यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपने किसी रिश्तेदार के, यदि कोई उसका रिश्तेदार रहता है और वो उसके घर पे रह सकता है, तो वो एक सीमित सैलरी में भी अपना पूरा अच्छे से जीवन यापन कर ले। वहां पे रहना, रहने का खर्चा सबसे बड़ी समस्या है। और आप बल्कि बम्बई के आज के समय अधिकांश जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पे रहने का खर्चा ही सबसे बड़ी समस्या है। अब फिर उसके बाद आते हैं गरीबी को दूर करने के तरीके। बताओ, सजेस्ट करो। हाँ, पॉलिसीज पर आ जाओ तो अच्छा रहेगा। कौशल विकास कार्यक्रम, बिल्कुल। पॉपुलेशन कंट्रोल लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है भी। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ, एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इम्पार्ट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना हर प्रकार के लोगों के लिए, स्किल्ड के लिए भी और अनस्किल्ड के लिए भी। ठीक, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करके रखना, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करके रखना पॉवर्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब पॉवर्टी हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एफिशिएंट बनाना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है उसके लीकेजेस, उसके लीकेजेस को कंट्रोल किए जाना। यदि यदि किसी तरह से उसको कंट्रोल किया जा सके तो भारत के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पॉलिसी बहुत अच्छी है। देखो, राशन शॉप जो होते हैं ना, राशन शॉप का अलॉटमेंट किया जाता है। यार देखो, राशन शॉप का अलॉटमेंट टेंडर प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अब टेंडर प्रक्रिया में वही व्यक्ति दोबारा जीतता है तो उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती।
फंडामेंटल राइट्स, वो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो टेंडर की प्रोसेस में भाग लेगा। जो जिसके पास शॉप है वो दोबारा उस प्रक्रिया में भाग लेगा, वो उसका फंडामेंटल राइट है। आप उसको इस कारण से बाहर नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हारे पास 5 साल 10 साल रह ली दुकान, अब तुम नहीं भाग लोगे। आप उसको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ना भाई। 10 में से 5 लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन 5 लोग सही भी तो होते हैं। आप उन खराब के चक्कर में सही को भी बाहर कर दोगे? हम यही कह रहे हैं ना, जो लीकेजेस की समस्या है यदि उसको टाइट किया जा सके तो भारत का पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा है, पॉलिसी बहुत अच्छी है। हाँ वही, यही तो, यही सब तरीके तो अपनाए जा रहे हैं। लीकेजेस ऐसे ही होते हैं कि जिस तक पहुंचना होता है उसके पास पहुंचने की जगह किसी और के पास पहुंच जाता है। यही लीकेज यही होता है। भाई राशन दुकान में सिर्फ बीपीएल वालों के लिए खाना नहीं होता, एपीएल वालों के लिए भी उनका कोटा होता है। लेते नहीं है लेकिन कोटा उनके लिए भी रहता है। राशन की जो संख्या वहां पर भेजी, जितनी मात्रा वहां भेजी जाती है ना, वो केवल बीपीएल लोगों की संख्या के हिसाब से नहीं भेजी जाती, एपीएल के हिसाब से भेजी जाती है, उसका मूल्य अलग रहता है। हाँ दिक्कत है ना ये वाली, बिल्कुल ये उसका, ये उसकी ड्रॉबैक है ना पीडीएस सिस्टम का। आपके यहाँ के देखो, हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है ना। इसके लिए प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा। एक जिले के अंदर काम करने वाली राशन की दुकानें सीधे तौर पे जिला प्रशासन के अंदर में होती है। कंप्लेन कर सकता है कोई भी व्यक्ति, कंप्लेन कर, राशन दुकान वाला राशन देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो राशन उसका थोड़ी है, वो सरकार का है। आप तो केवल एक एजेंसी हो जिसको बीच में रखा गया है केवल वो फैसिलिटेट करने के लिए। तो गलत है ना भाई, जिसके पास आधा राशन आ रहा है वो शिकायत कर सकता है। अब तो स्मार्टफोन्स हैं, आप बहुत आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो, ये देखो हम फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं और वो हमें 2 किलो की जगह 1 किलो गेहूँ दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं। तो देखो देखो हर 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 एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं होती ना, सोसाइटी को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। भाई जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है, जब तक वो ये बोलेगा नहीं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आप उसके निवारण की उम्मीद कैसे कर सकते, समझ रहे हैं ना भाई। वो क्या कहा जाता है ना कि यदि क्या कहते हैं, शोषण करना अपराध है तो शोषण सहना भी पाप है, तो शोषण सहना भी पाप है, गीता में कहा गया है। शोषण करने वाला गलत है तो सहने वाला भी उतना ही गलत है, अब सह क्यों रहे हो, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल, अब इसके बाद ये जो टॉपिक है खत्म होएगा किससे, पॉवर्टी खत्म करने की सरकार की योजनाओं से। टाइम आएगा मतलब, हाँ 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 वे फॉरवर्ड कह रहे हो, हाँ वे फॉरवर्ड में आएगा, वे फॉरवर्ड में आएगा। लिख दो कोई भी योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना, जनधन योजना,
जनधन योजना क्यों है? जनधन योजना यदि लिख रहे हो तो लिखना पड़ेगा कि वो डीबीटी से लिंक है। जनधन योजना को चालू किया गया ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को आसानी से फैसिलिटेट किया जा सके। पथ विक्रेता के लिए जो योजनाएं होती है वो लिख सकते हो। हॉगर जोन का निर्माण किया जाता है, लिख सकते हो। लेकिन योजनाएं ऐसी लिखो जो जिसको पढ़ के डायरेक्टली समझ में आ जाए कि गरीब कल्याण के लिए है। हाँ, स्वनिधि लिख सकते हो। उज्ज्वला, उज्ज्वला लिख सकते हो। उज्ज्वला योजना लिखने से समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन हम कह रहे हैं योजनाएं वो वाली लिखो जिसको पढ़ते ही साथ समझ में आ जाए कि हाँ ये पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है। आयुष्मान, आयुष्मान भारत लिख सकते हो आप। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वही तो है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना लिख सकते हैं, बिल्कुल आएगा। मिड डे मील, मिड डे मील क्या कहते हैं मिड डे मील को हिंदी में? मध्यान्ह, मध्यान्ह भोजन, मध्यान्ह भोजन। इंश्योरेंस वाली स्कीमें लिख सकते हो। प्रधानमंत्री जन ज्योति, जन औषधि लिख सकते हो। वो जन ज्योति बीमा योजना जो होती है ना। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना लिखो ना। वही वही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नहीं, उसको पॉवर्टी एलिवेशन में लिख सकते हो। रोजगार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब गरीबी के उन्मूलन के लिए होती है। हाँ, मनरेगा, बिल्कुल मनरेगा लिख सकते हैं। यदि आपके पास लिखने का स्कोप हो तो एक एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, बिल्कुल। भाई पेंशन योजना क्यों, पेंशन क्यों दी जाती है? ताकि आपके आपके जीवन निर्वाह में समस्या ना आए। हाँ नहीं, वो तो वय वंदन योजना रहती है जो एजेड लोगों को दी जाती है। नहीं, वो उसको यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं। आप जो एजेड लोगों को दी जाने वाली है वो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कहलाती है। लाडली बहना योजना लिख सकते हैं। उसका क्राइटेरिया है कि परिवार की आय 2.5 लाख रुपए वर्ष से कम होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई 2.5 लाख रुपए साल कमा रहा है तो वैसे भी गरीब नहीं है। लाडली बहना योजना मत लिखो। मैं वो शुद्ध रूप से गरीबों के लिए नहीं है। हाँ हाँ, सबके लिए, मतलब 2.5 लाख की वो रखी है ना यार, उसमें आपकी पॉवर्टी लाइन से काफी ऊपर है। नहीं नहीं, स्कॉलरशिप योजना जरूरी नहीं है कि केवल गरीबों के लिए। ठीक है, अच्छा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया या मुद्रा योजना, ये सब भी लिखोगे ना तो आप उसको ऐसे लिखना कि इनसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कौन सा टैक्स? एंजल, एंजल टैक्स नहीं होता यार, एंजल इन्वेस्टमेंट होती है। एंजल टैक्स लगाती है सरकार, नहीं पता, पढ़ो यदि है तो पढ़ो। उसको क्या होता, हमने नहीं पढ़ा अभी तक। एंजल टैक्स लगाया है, किस चीज पे लगता है एंजल टैक्स? हाँ
नहीं, एंजल टैक्स जैसा कोई टैक्स नहीं होता होगा यार, आज तक हमने तो नहीं सुना। एंजल एंजल इन्वेस्टमेंट होता है वो, टाइम्स ऑफ इंडिया वो अपनी बात लिखने के लिए ऐसा उनने शब्द उपयोग किया होगा कि जैसे सरकार एंजल, जैसे स्टार्टअप्स को एंजल इन्वेस्टमेंट मिलता है वैसे ही सरकार उस पर एंजल टैक्स लगा के ले भी लेती है, वो अपनी बात कहने के लिए ऐसा लिख रहे होंगे, बाकी एंजल टैक्स जैसा कुछ नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीखो कमाओ योजना ऐड कर सकते। बल्कि आप तो COVID-19 का जो निःशुल्क टीकाकरण हुआ है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। हाँ मतलब चूंकि ये चीज अभी रिसेंट में हुई है और इतनी व्यापक है और दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या के टीकाकरण हुआ है निःशुल्क, तो उस चीज को लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, होता है, लेकिन उसके वो क्या है, आप चीज वो लिखो जो कम शब्दों में आप उसको गरीबी उन्मूलन से जोड़ सको, डायरेक्टली जिससे जोड़ सको, इनडायरेक्ट वाली भी चीजें लिखो लेकिन ऐसी जिसको कम शब्दों में आप गरीबी उन्मूलन से जोड़ सको। ये चीज पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है, तो कम से कम शब्दों में जिस चीज को समझा सके वो लिखो। ठीक, यदि आपके पास लिखने के लिए शब्द हैं तो आप स्वच्छ भारत अभियान लिख सकते हो, सैनिटेशन होगा तो उससे एक समस्या का निवारण होगा। ये गरीबी उन्मूलन के क्या कारण हो सकते हैं, बिल्कुल उसमें लिखना चाहिए आपको। देखो अपन ने ये तो देखा ही था, रोजगार के अवसर सृजन करना है, तो रोजगार के अवसर सृजन कैसे करेंगे, इसी तरह से करेंगे ना, उद्योगों को बढ़ावा देकर या नौकरियां क्रिएट करके। स्व सहायता समूह कई कामों के लिए होते हैं, जिसमें से एक होता है जैसे मिड डे मील में खाना तैयार करना, उनके लिए जो स्व सहायता समूह को ठेका दिया जाता है। स्व सहायता समूह बहुत कामों के लिए, हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। देखो अपन ने एक चीज़ देखी थी कि गरीबी के कारण कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता ठीक से, है ना, जो नहर होता है वो सरकार का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सरकार जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है उसमें से अधिकांश इसीलिए करती है ताकि रोजगार के अवसर क्रिएट हो। भाई जैसे अभी अपन ने कुछ दिन पहले चर्चा करी थी कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया गया, ठीक है, इतने करोड़ रुपये खर्च करके सेंट्रल विस्टा का निर्माण क्यों किया गया, जब COVID-19 में वैसे भी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब थी, तब सेंट्रल विस्टा जैसी महंगी स्कीम लाने का क्या औचित्य था, यही औचित्य था कि वहाँ पे जो है काम मिले लोगों को, है ना, जितना जिस तरह से उसको बनाया गया है कई किस्म के लोगों को रोजगार मिला होगा उससे। सरकार जब भी पूंजीगत व्यय करती है तो उसका उद्देश्य सबसे पहले यही होता है कि हमें रोजगार के अवसर क्रिएट करना। नहीं वो खत्म हो जाएगा तो दूसरी कोई योजना चालू हो जाएगी, सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को रोकती थोड़ी है कभी, वो तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। भाई पुराने जमाने में जैसे जबलपुर में हम देखते हैं खूब सारे तालाब थे, वे जबलपुर के जो शासक रहे होंगे उस समय वो क्या सोच के तालाब खुदवा रहे हैं, कितना पानी पीना है लोगों को, पानी पिलाने के लिए लोग तालाब नहीं खुदवाते, ये काम इसलिए करवाया जाता है ताकि लोगों को रोजगार के मौके मिलते रहे। व्यक्ति रोजगार में रहेगा ना तो वो असामाजिक गतिविधियों में नहीं जाएगा, उसको अपने वो अपनी मेहनत का जब उसको पैसा मिलेगा तो वो असामाजिक गतिविधियों में नहीं जाएगा। देखो करने को आप बहुत सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि लिखो केवल वही चीजें जो बिल्कुल टू द पॉइंट आप उसको गरीबी उन्मूलन से जोड़ सकते। वैसे तो हर चीज ले दे के वहीं आ जाती है,
सरकार जो भी करती है वो घूम फिर के वहीं पर आ जाती है कि हमें गरीब का कल्याण, अंतिम व्यक्ति का कल्याण करना है। लेकिन अपन को लिखना वही है जो आप टू द पॉइंट कम से कम शब्दों में उससे जोड़ सको। फूड वाली स्कीम्स लिखो, रोजगार वाली डायरेक्ट स्कीम्स लिखो, जो सरकार आर्थिक सहायता देती है वो लिखो डायरेक्ट। उसके बाद यदि आपका स्कोप बचता है तो और फिर इधर उधर की चीजें। क्या, कौन सी कंपनी? फिनटेक कंपनी, फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज, ऐसी कोई भी कंपनी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फिनटेक कंपनी होती है। जैसे पेटीएम। हाँ, पेमेंट वाइज, पे की बात कर रहे हो ना? हाँ, सब फिनटेक कंपनीज है, सब 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 जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के उपयोग करते हुए वो फिनटेक कंपनीज होती है। उनको पैसा मिलता है तो कमाती हैं, तो वो तनख्वाह देती हैं भाई। कोई कंपनी किसी को तनख्वाह क्यों देती है जब वो, जब आपको दी जाने वाली तनख्वाह से कम 5 गुना वो कमा रही होती है। हाँ भाई, गवर्नमेंट के पास संसाधनों के सीमित हो, संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा, दूसरी बात, सरकार लाभ के लिए काम नहीं करती। जिस दिन सरकार फायदे के लिए काम करने लगेगी उस दिन गवर्नमेंट कर्मचारियों की तनख्वाह बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, सरकार तनख्वाह देती है अपना काम करवाने के लिए। सरकार तनख्वाह इसलिए नहीं देती कि आप हमको फायदा कमा के दो। ठीक है, अभी रिसेंट में एक वो आर्टिकल आया था, SBI म्यूचुअल फंड का जो CEO था या शायद मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसने कितने 1,000 करोड़ SBI को कमा के दिए। उसको साल भर की तनख्वाह 37 लाख रुपए मिली। 50,000 करोड़ रुपए कमा के देने वाले आदमी को, 5,000 करोड़ कमा के देने वाले आदमी को 37 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। वो यदि SBI की जगह HDFC होता तो उसमें 1 0 और आगे जुड़ जाता। हाँ, तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हमेशा वेतन का जो है आपको फर्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में अपन बजट पूरा कवर कर लेंगे। आज हमें भी आने में थोड़ा सा लेट हो गया, वरना बजट अपन शुरू तो कर ही देते हैं।